तैमूर अली खान अब जल्द ही करने वाले हैं बॉलीवुड में डेब्यू, लेकिन क्या है इसका असल सच, चले बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। जी हाँ, नाम बनाने और स्टारडम बनाने के लिए कई सारे काबिल कलाकारों को सालों लग जाते हैं, लेकिन ये हर किसी को नसीब नहीं होता। पर सैफ अली खान और करीना कपूर के नन्हे नवाब की बात ही कुछ और है। तैमूर अली खान किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं, उनकी तस्वीरें इंटरनेट पर छाई रहती है। जी हाँ, तैमूर को पैदा हुए अभी सिर्फ 2 ही साल हुए हैं और अभी से उन पर फिल्म मेकर्स की नजरें पड़ने लग गई है। और आपको बता दें कि जाने माने फिल्म मेकर मधुर भंडारकर ने अपनी अगली फिल्म के लिए तैमूर के नाम को रजिस्टर कर लिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म मेकर मधुर भंडारकर ने अपनी आने वाली फिल्म के लिए जो नाम रजिस्टर करवाया है उसका नाम है तैमूर, यानी कि अब तैमूर के नाम पर लोग जल्द ही एक फिल्म भी देखने वाले हैं। दरअसल मधुर भंडारकर ऐसी जॉनर की फिल्में बनाने के लिए जाने जाते हैं जिनकी फिल्म में बिना पब्लिसिटी किए काफी पब्लिसिटी ग्रैब कर लेती है। और सैफ अली खान के लाडले तैमूर के नाम को उन्होंने इसलिए रजिस्टर करवाया है क्योंकि तैमूर अली खान इंटरनेट वर्ल्ड की जान है। शायद ही कोई दिन बीतता हो जब तैमूर से जुड़ी कोई खबर सामने ना आती हो या नन्हे नवाब की फोटो वायरल ना होती हो। तैमूर को अभी 2 साल भी नहीं हुए हैं और वो फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर हस्ती बन गए हैं। इतना ही नहीं, अब तो टॉयज भी मार्केट में तैमूर अली खान की डॉल्स तक भी बनने लगी है। और इसलिए तैमूर की जबरदस्त पॉपुलैरिटी देखते हुए मधुर भंडारकर ने अपनी आने वाली फिल्म का नाम ही तैमूर रख लिया है ताकि उनकी फिल्म को तैमूर के नाम से जबरदस्त पॉपुलैरिटी मिले। इस वीडियो में इतना ही। मैं योगिता शर्मा, पंजाब केसरी, दिल्ली से।